हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राशि सर्विस सेंटर में। और फिर एक नई वीडियो के साथ, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने उसकी कुंडी की गोली जो है अंदर बैठा ली थी। अब मान लो कि बहुत ज़्यादा अंदर बैठ रही है कुंडी की गोली, जैसे हमारे ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा अंदर बैठ रही है गोली, तो क्या होता है, ज़्यादा अंदर बैठने से ये झंड कट जाती है हमारी, ये जो झंड जो होती है गोली रोकने की, सपोर्ट जो होती है ये कट जाती है, गोली निकल जाती है। तो इसको हमें क्या करना है लट्टू पर कि हमारी गोली बहुत अंदर ना बैठे, थोड़ी ऊपर रहे, जितनी चलना चाहिए उतनी चले, नॉर्मल मिनिमम कितनी भी चलना चाहिए गोली, गोली जो है आपको लट्टू के अंदर लगभग देखिए फ्रेंड्स इतनी बैठना चाहिए कि हमारी ये हल्की सी ये दिखती रहे। देख सकते हो आप गोली कितनी दिखना चाहिए, इतनी दिखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमने थोड़ा कुछ करके इसको गोली को अंदर बहुत बैठा लाया, पिछली बार आपको वीडियो में दिखाया था कि गोली बाहर कैसे उठानी है, फिलहाल अब इसमें दिखाएंगे गोली को हमें बाहर कैसे करना है। पिछली तो वीडियो थी अंदर की, अब दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था, तो देख सकते हो आप ये कितनी अंदर गोली बैठी हुई है इसकी। तो ये क्या हो रहा है कि इसके अंदर लट्टू की गोली जो है इसकी झंड अंदर टकरा रही है, जिससे कि इसकी गोली निकल जाती है, झंड कट जाती है, गोली निकल जाती है। तो अब हमें इसको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो भी आपको समझाता हूँ वीडियो में। तो आइए फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें अपनी गोली इसमें निकाल लेना है कुंडी को, और कुंडी निकाल करके एक साइड में रख लें। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें करना यह है कि ये देख सकते हो, पिछली बार भी हमने आपको, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको टेंशन की प्लेट ही दिखाई थी, और अब भी टेंशन की प्लेट ही दिखा रहा हूँ। वो प्लेट दिखाई थी कि मुझे इसमें झंड करना था, और अब जो प्लेट दिखा रहा हूँ वो अलग ही होगी। तो इसको भी हमें इसी तरीके से पिछली वीडियो की तरह इसको सीधा कर देना, और इसको जो है हमें थोड़ी, ये प्लेट मोटी है, कैंची से नहीं कटेगी, तो हमें इस तरीके से छेनी से इसको निकाल लेना है। काटते हुए निकाल इसको फ्रेंड्स, इस तरीके से छेनी से अपनी काट के इसको बाहर निकाल लें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इस तरीके से काट लें, आप सब कंप्लीट कर लें सब तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल मैं इसको काट चुका हूँ, बढ़िया करके कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, इसकी ये धारे बन जाती है, किनार बन जाती है, तो इसका हमें क्या करना है, किस तरीके से इसे साफ करना है। तो फ्रेंड, इसकी धारें इस तरीके से आप इसको रेत लें, और ध्यान रहे हमें इतना ही चौड़ा बार्सल हमें काटना है। देख सकते हो आप, इतना चौड़ा बार्सल हमें काटना है। देखिए ये बार्सल हमें क्यों काटना है, ये अभी आपको बताऊंगा। ये इस बार्सल का क्या मकसद है, इस तरीके से इसकी किनारे पहले साफ़ कर लें बढ़िया करके चारों तरफ से, और ताकि इस पर धार ना रहे, आपके हाथ उतना ना लगे। मेरा हाथ कट चुका है यहाँ पे, देख सकते हो आप, ये काफ़ी खून निकला इसमें से, तो क्यों इसी वजह से काट गया कि इसकी धार किनार लग गई। और अब हमें इसका क्या करना है फ्रेंड, देखिए हमें ये बार्सल जो है, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें ये पेच में, ये पेच आ रहा है या नहीं इसमें, क्यों ये पेच नहीं आते हैं, तो इस तरीके से इसको कहीं भी एडजस्ट करके इसको पहले घिस लें। और इसकी किनारियाँ ये बढ़िया करके साफ़ कर लें, और देखिए अब ये हमारा पेंच इसमें कंप्लीट बैठ रहा है। इसी तरीके से लगाना, घिसना है आपको, और ये वार सब जो है आपको यहाँ कुंडी लगाने से पहले अपने कान पर लगाना है, ये इस तरीके से मशीन के कान पर लगाना है, और बाद में अपनी ये कुंडी हम लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस तरीके से कुंडी हम लगा देंगे, और ये देख सकते हो आप, अब ये पेच हम फिट करने के बाद इसमें इस तरीके से लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी काफ़ी बाहर भी आ चुकी है, उठ भी चुकी है, और ये अब तो खैर कुछ ज़्यादा ही उठ गई, क्यों बार्सल जो हमारा मोटा है, थोड़ा बारीक लगाएं, ध्यान रहे ज़्यादा वो ना लगाएं। देख सकते हो आप, इसी तरीके से आपको ये करना है कंप्लीट, और
बाकी आपको किसी और वीडियो पे कोई और टॉपिक पर मतलब वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दूंगा। एक भाई ने पिछली वीडियो मांगी थी वो बना दी, ये मैंने अपनी तरफ से बना दी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।